विद्यार्थियों, कल के वीडियो में आपने देखा कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डिफरेंशिएबल कब होता है, पूरा आपको डिटेल जो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का मैंने दिया कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा डिटेल पिछले वीडियो में आपको मिल चुका है। आज हम उस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आए हैं एग्जाम में, उसको कराने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि एक एक क्वेश्चन को आप गंभीरता से समझेंगे, जिससे बोर्ड परीक्षा में आपका ज्यादा से ज्यादा अंक आए। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न प्रकार परिभाषित फलन की x बराबर 0 पर सांद्रता का की जांच कीजिए। ये फलन एफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस टू, ये कब होगा जब एक्स 0 या 0 से कम होगा, और एक्स अगर 0 से बड़ा है तो इसका मान 1 होगा। तो आप जानते हो कि आप कब कर पाते हो कंटिन्यूअस किसी फलन को, कब कर पाते हो कि कोई भी फलन x बराबर a पर एक सतत फलन कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू f x का अस्तित्व हो और इसका मान x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो। तो अस्तित्व कब होता है, जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा इसकी लिख देंगे, फिर उसके बाद इसका परीक्षण करेंगे। तो कोई भी फलन सतत फलन कब होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है, कि जब लिमिट x टेंड्स टू f x का अस्तित्व हो और इसका मान x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि 0 पर करना, 0 प्लस, तो 0 प्लस पे करेंगे तो यानी कि 0 से कुछ ज्यादा और वो h टेंड्स टू 0, यानी कि x की जगह 0 प्लस h है। अब 0 प्लस है यानी 0 प्लस एच है, 0 से कुछ ज्यादा है तो क्या होगा, इसका मान 1, ये चल फलन है 1 आएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब 0 से कम, तो 0 से कम इसमें ऊपर वाले में रखेंगे क्योंकि x लेस देन 0 है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच का क्यूब माइनस टू एच के जगह 0 रखेंगे, ऋण 2 आएगा। इस फलन का तो अस्तित्व ही नहीं और इक्वल पर भी ऋण 2 आएगा अगर ये आप 0 निकालेंगे, लेकिन अब राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो कंटिन्यूअस कभी नहीं हो सकता, तो इक्वल नहीं भी निकालोगे चलेगा। वैसे ये आप 0 पर मान ऋण 2 मिलेगा, तो राइट हैंड लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अतः फलन का अस्तित्व ही नहीं है। तो इसका मतलब कि x बराबर 0 पर दिया हुआ फलन एफ एक्स सतत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए cos x एक सतत फलन है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो sin x और cos x है दोनों सतत फलन होते हैं, इनका ग्राफ कभी भी नहीं टूटता। अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं आपने देखा होगा कि इसका ग्राफ किसी भी रियल नंबर के लिए कहीं भी ग्राफ इसका टूटेगा नहीं, कहीं पेंसिल आपको उठानी नहीं पड़ेगी। यानी जीरो पर मान एक होता है, एक देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका अधिकतम मान एक होता है, न्यूनतम मान ऋण एक होता है, तो जीरो पर एक होता है और पाई बाई टू पर जीरो होता है, पाई पर ऋण एक होता है, राइट, थ्री पाई बाई टू पे जीरो होता है और टू पाई पे ध्यान दीजिएगा एक होता है, cos 2 पाई cos 360 डिग्री। तो हर बच्चा ध्यान देगा कि 0 पर क्या होता है एक, पाई बाई टू पर 0, पाई पर मान ऋण एक होता है और 3 पाई बाई टू पाई पे मान क्या हो जाता है, फिर एक हो जाता है। समझ सकते हो आप, वैसे भी जानते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, सेकंड में निगेटिव होता है, थर्ड में निगेटिव होता है, और फोर्थ में फिर पॉजिटिव होता है। तो सीरियस समझिएगा कि ये तो है, ऐसे आप सतत आगे बढ़ाते जाइए कहीं भी इसका ग्राफ टूटेगा नहीं।
लेकिन अगर आपको करना है तो कैसे, आप एक पॉइंट ए मान लेंगे, मान लेंगे ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर का नेतृत्व कर रहा है ए, ए बिलोंग्स टू आर। तो हम सबसे पहले कोई फलन सतत फलन कब होता है, कोई फलन सतत फलन तब होता है जब किसी पॉइंट, जैसे आपने एक पॉइंट ए ले लिया है कि कोई भी फलन एक सतत फलन कहलाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का अस्तित्व, यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो और इसका मान एक्स बराबर एक पर फलन के मान के बराबर हो। तो हम राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, ए प्लस एच रखेंगे कॉस एक्स में, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस ए प्लस एच, एच की जगह जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा कॉस ए, सूत्र भी लगा देंगे कॉस ए कॉस एच माइनस साइन ए साइन एच तो भी आपको क्या मिलेगा कॉस ए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस ए माइनस एच, एच की जगह जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा कॉस ए, और इक्वल फल एफ ए रखेंगे तो भी कॉस ए, यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, फलन का अस्तित्व तो है ये पर, और साथ में वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर है। तथा दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर क्या होगा कॉस एक्स, क्या होगा सतत फलन होगा कॉन्टिन्यूस। तीसरा क्वेश्चन है कि एक्स बराबर तीन पर फलन एफ एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर रेड एक के सांतत्य की जांच कीजिए, यानी कि एफ एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर रेड एक दिया है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री प्लस एफ एक्स, हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ थ्री प्लस एच, अब थ्री प्लस एच रख दीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू थ्री प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन, ठीक। अब एच की जगह अगर जीरो भी रखेंगे तो एच की जगह जीरो रखेंगे तो यह क्या होगा तीन का स्क्वायर, तो नौ, चाहे इसको आप इसको ऐसे कर दीजिए नौ प्लस एच स्क्वायर प्लस सिक्स एच, अब एच की जगह जीरो रखेंगे तो नौ दुनिया अठारह डेढ़ एक सत्रह मिलेगा। वैसे बहुपदी फलन है जो सर्वत्र सतत और अवकलनीय होता है, ये बहुपदी फलन है तो हर जगह सतत होगा अवकलनीय होगा, तो एल एच एल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ थ्री माइनस एच, तो थ्री माइनस एच रखेंगे तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू थ्री माइनस एच का स्क्वायर माइनस वन, लिमिट एच टेंड टू जीरो टू नाइन प्लस एच स्क्वायर माइनस सिक्स एच, एच के जगह जीरो रखोगे एट्टीन माइनस वन सेवेंटीन, इक्वल को देखते हैं एफ थ्री, एफ थ्री में आएगा दो बुढ़े तीन का वर्ग नौ रेड एक अट्ठारह रेड एक सत्रह, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ थ्री, अतः दिया हुआ फलन एफ एक्स एक्स बराबर तीन पर सतत फलन है। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपान एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक जब एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर जीरो पर सतत है। तो हम आपको कहते सतत फलन के बारे में पहले आप जानिए क्या होता है, कोई भी फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर एक सतत फलन कहलाता है यदि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स का अस्तित्व हो और इसका मान एक्स बराबर ए पर फलन के मान के बराबर हो, अर्थात राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और एक्स बराबर जीरो पर जो फलन का मान हो तीनों बराबर हो। तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स, हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच मतलब लिमिट एक्स टेंड टू जीरो,
जीरो प्लस एच यानी जीरो से कुछ ज्यादा है तो ऊपर वाले में रखेंगे, जीरो के बराबर नहीं है तो साइन जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच और इसकी वैल्यू आप जानते हो एक, साइन एच अपॉन एच का मान एक। अब एल एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच भी उसी में रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच बटे जीरो माइनस एच, साइन माइनस एच है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एच बटे माइनस एच, इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच और इसकी वैल्यू वन। और इक्वल पर रखेंगे या फिर जीरो रखेंगे या जीरो का मान भी ये, तो आर एच एल एल एच एल बराबर या फिर जीरो तो अस्तित्व है फलन का और इसका मान एक्स बराबर जीरो पर फलन के मान के बराबर है, अतः दिया हुआ फलन बिंदु एक्स बराबर जीरो पर सम। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू थ्री और एट माइनस एक्स जब एक्स तीन से बड़ा हो, एक्स बराबर तीन पर सतत है कॉन्टिन्यूस। तो हम यहां भी पहले आर एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स और लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ थ्री प्लस एच, अब थ्री प्लस एच है तीन से बड़ा है तो इसमें रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एट माइनस थ्री प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एट माइनस थ्री माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव माइनस एच, एच की जगह जीरो रखेंगे फाइव। अब एल एच एल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ थ्री माइनस एच, इसको आप थ्री प्लस जीरो भी लिख सकते हैं। अब थ्री माइनस एच है तो ऊपर वाले में लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो तो थ्री माइनस एच प्लस टू, लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव माइनस एच, एच की जगह जीरो रखेंगे तो क्या आएगा फाइव। अभी x बराबर तीन पर देखते हैं, एक्स थ्री थ्री ऊपर वाले में रखेंगे थ्री प्लस टू क्या आ गया फाइव, आर एच एल एल एच एल और एक्स थ्री तीनों बराबर आ गए, अतः दिया हुआ फलन x बराबर तीन पर सतत है। यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फोर, एक कब जब x पांच या पांच से छोटा हो और एक कब जब x पांच से बड़ा हो तो 5x माइनस 24 तो दिखाइए कि फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर पांच पर सतत है। ध्यान दीजिएगा हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 5 प्लस एच, पांच से बड़ा, पांच से बड़ा इसमें रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 5 इंटू 5 प्लस एच माइनस 24, एच के लिए जीरो रखेंगे 24 फाइव माइनस 24 वन आ जाएगा। अब एल एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव माइनस एच, एफ फाइव माइनस एच रखेंगे पांच से छोटा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 5 माइनस एच माइनस 4 वन माइनस एच हो जाएगा, एच की जगह जीरो रखेंगे तो वन आ जाएगा, इक्वल रखेंगे 5 तो 5 माइनस 4 वन आ गया। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और ये 5 बराबर हो गया, अतः x बराबर 5 पर फलन एफ एक्स सतत है। यदि एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 5 एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और x 2 से बड़ा है तो x 3 1 और बिंदु x बराबर 2 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए ऊपर वाला कब होगा जब दो या दो से छोटा हो, नीचे वाला दो से बड़ा, तब आपको के एक्स बराबर दो पर सतत है दिया गया है, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ टू बराबर होंगे तीनों। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि एफ
तीनों निकालेंगे, पहले एफ टू ही निकाल लेते हैं। एफ टू निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें रखेंगे टू के प्लस फाइव, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच। किसमें रखेंगे, इसमें दो से बड़े वाले में, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टू प्लस एच माइनस वन हो जाएगा वन आएगा, वन प्लस एच, एच की जगह जीरो वन है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी वन ही आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच, टू माइनस एच रखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के इंटू टू माइनस एच प्लस फाइव, एच की जगह जीरो रखेंगे टू के प्लस फाइव। आप जानते हैं कि सतत दिया है तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये हो गया वन, ये हो गया टू के प्लस फाइव, ये हो गया टू के प्लस फाइव, तो टू के प्लस फाइव वन आ गया, तो टू के हो गया वन माइनस फाइव, तो टू के हो गया माइनस फोर, के बराबर आ गया माइनस टू। के अगर ऋण दो हो जाएगा तो बिंदु एक्स बराबर दो पर फलन क्या हो जाएगा, सतत। दिखाइए, देखिए आठवां क्वेश्चन है, दिखाइए कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर ऋण पच्चीस बटे एक्स ऋण पांच, एक्स पांच के बराबर नहीं है तो ये मान है और पांच के बराबर है तो दस, एक्स बराबर पांच पर सतत। तो आप वही काम करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ फाइव प्लस एच। फाइव प्लस एच है तो पांच के बराबर तो है नहीं, तो ऊपर वाले में रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो फाइव प्लस एच का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव, वन फाइव प्लस एच माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस एच स्क्वायर प्लस टेन एच माइनस ट्वेंटी फाइव वन एच। अब क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एच प्लस टेन अपॉन एच, एच की जगह जीरो टेन आएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू फाइव माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ फाइव माइनस एच। अब फाइव माइनस एच रखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फाइव माइनस एच के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन फाइव माइनस एच माइनस फाइव हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पच्चीस प्लस एच स्क्वायर माइनस टेन एच माइनस पच्चीस बटे एन एच, पच्चीस पच्चीस कामन कट गया, पच्चीस पच्चीस कैंसिल, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच कामन ले लेंगे, एच ऋण दस बटे ऋण एच, एच की जगह जीरो, जीरो ऋण दस बटे ऋण एच तो दस आ गया, और इक्वल पर दस दिया ही गया है। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये फाइव तीनों बराबर हो गए, अतः एक्स बराबर पांच पर दिया हुआ फलन एफ एक्स सतत है। दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ये देखिए कंपोजिट फंक्शन है, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर ये दिया गया है, तो आप ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। देखिए संयुक्त फलन है दो फलनों का, निहित फलन कंपोजिट फंक्शन, तो ये आप मान लेंगे एच एक्स बराबर मान लेंगे कॉस एक्स और जी एक्स बराबर मान लेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ गए थे, एच आप जी एक्स निकालेंगे, एच आप जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, एच एक्स का मान जो है कॉस एक्स है, एच एक्स स्क्वायर का मान कॉस एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हो कि कॉस एक्स जो है एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए सतत फलन होगा, जी एक्स एक्स स्क्वायर एक बहुपदी फलन होगा जो सर्वत्र सतत होता है, ये दोनों अलग अलग सतत फलन है, यानी कि एच और जी दोनों, एच और जी दोनों सतत फलन है। आप लिखोगे एच एक्स बराबर कॉस एक्स,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है, सतत फलन, और जी एक्स और एक्स स्क्वायर एक बहुपदी फलन होगा जो सर्वत्र सतत एवं अवकलनीय होगा, अतः इनका संयुक्त फलन एच ऑफ जी एक्स दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर भी एक सतत फलन होगा। समझ गए, पहले क्या कहोगे, एफ एक्स कोई कॉस एक्स स्क्वायर, एच एक्स कॉस एक्स, जी एक्स एक्स स्क्वायर, अब एच ऑफ जी एक्स निकालेंगे दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर, अब लिखोगे एच एक्स फ्रॉम कॉस एक्स जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एच एक्स बराबर कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए क्या है, सतत, एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए सतत, और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक बहुपदी फलन है जो सतत, जो सर्वत्र सतत एवं अवकलनीय होगा, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ए भी सतत होगा, अतः इनका संयुक्त फलन एच ऑफ जी एक्स यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर भी एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए क्या होगा, एक सतत फलन होगा। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए एक्स बराबर एक पर एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स सतत नहीं, अगर इसमें देखिए एफ एक्स बराबर एक्स है, अगर इस ब्रैकेट में है तो इसको बड़े ब्रैकेट में है तो इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका अर्थ होता है कि अगर जैसे मेरी बात ध्यान दीजिए, जैसे इसमें 2.1 है तो इसका मान 2, यानी किस इंटीजर को पार किया, यानी कि इसके लेफ्ट जो इंटीजर हो या तो इसके बराबर, अगर ये इंटीजर ही हुआ तो उसके बराबर होगा, नहीं तो उसके लेफ्ट वाला इंटीजर होगा, जैसे 3.9 है तो इसका मतलब 3.99 है तो भी 3 और 3 है तो भी 3, या तो इक्वल होगा, अगर ये इंटीजर है तो इक्वल होगा, अगर जो है इंटीजर नहीं है तो उसके लेफ्ट वाला जो इंटीजर होगा उसके बराबर होगा। नंबर लाइन से आप अच्छे समझ सकते हो, जैसे नंबर लाइन बना दीजिए 0, 1, 2, 3, रीड 1, रीड 2, रीड 3, ऐसे करते चले जाइए, तो आप देखिए जैसे 1.1 लिखा है तो 1.1 यहाँ है तो इसके लेफ्ट इंटीजर कौन है, 1, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम ये कि इंटीजर किस इंटीजर को पार किया है, या इंटीजर हो या तो उसके आगे हो तो वही इंटीजर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 2 के पहले तक मान 1 होगा। जैसे रीड में देखिए जैसे -2.5 है तो इसका मान -3 होगा, इसके लेफ्ट जो है -3। तो यहां भी देखिए आपको आरएचएल निकालेंगे, जब लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, 1 से कुछ आगे, तो अब लिमिट एच टेंस टू 0, अब जब इसमें रखेंगे आप 1 प्लस एच तो 1 को क्रॉस किया है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान क्या होगा, 1। अब एलएचएल जब निकालेंगे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच जब रखेंगे उसमें तो 1 माइनस एच का मतलब 1 से पीछे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन हुआ, 0, 0। और इक्वल अगर रखेंगे एफ 1 रखेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि यहां देख रहे हो कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अतः फलन का अस्तित्व ही नहीं होगा, अतः x बराबर 1 पर दिया हुआ फलन एफ एक्स सतत नहीं है। इसको ये भी कर सकते हैं, अवकलनी वाला भी इसमें चेक कर सकते हैं, अवकलनी नहीं है, इस पर आधारित कुछ सवाल, अवकलनी भी नहीं करना, सिद्ध कीजिए कि एक्स और एक पर फलन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स अवकलनी नहीं, तो हम क्या करते हैं अवकलनी के लिए क्या करते हैं, आर एफ डैश ए इज इक्वल टू एल एफ डैश, इसका अर्थ है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच, यहां एक पर हमको करना है तो हम आर एफ डैश 1 निकालेंगे, क्या होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 अपॉन एच, तो अब f1 प्लस h इसमें रखेंगे तो f1 प्लस h का मान क्या आएगा,
वन प्लस एच का मान वन आएगा और एफ वन का मान भी वन आएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस एच है तो वन ही होगा, वन से आगे है तो इसकी वैल्यू वन आएगी और यहां भी वन, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो आ जाएगा राइट। अब हम एल एफ डैश वन निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बटे माइनस एच। अब इसको निकालेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच, तो क्या होगा वन माइनस एच माइनस वन अपॉन माइनस एच। वन माइनस एच अगर ग्रेटर हो, वन माइनस एच है यानी वन के पहले तो जीरो इंटीजर होगा, तो जीरो माइनस वन बटे माइनस एच। अब माइनस वन अपॉन एच आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा टेंस टू जीरो, इनफाइनाइट आएगा, जाहिर सी बात है दिया हुआ फलन x बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है।